नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ग्रोपुंजी में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में जिस पेनी स्टॉक में आज के दिन काफी अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है और साथ ही काफी अच्छा वॉल्यूम भी देखने को मिला है। दोस्तों, जिस स्टॉक के बारे में हम जानने वाले हैं उस स्टॉक का नाम है HCC, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसकी प्राइस चल रही है 18.70 और आज के दिन इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 9.5% से ज्यादा की पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। दोस्तों, इस स्टॉक में क्या न्यूज है, क्यों हमें इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए और बहुत कुछ हम इस स्टॉक के बारे में आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, HCC स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है वो है 2008-2007 का। 2007 में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 134-135 की प्राइस के समथिंग। उसके बाद में कंटिन्यू हमें इस स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला और उसके बाद में 2009 में फिर से एक अप ट्रेंड देखने को मिला। फिर बाद में फिर से हमें 2009 के एंड में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। काफी टाइम से, यानी कि ये स्टॉक 2007 से ही एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, बट फाइनली दोस्तों हमें इस स्टॉक में एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में हमें एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अब हम इसे एक बार के लिए वीकली पर देख लेते हैं, जहां आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि 2022 अगस्त सितंबर से इस स्टॉक में हमें एक अच्छा अपट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां स्टॉक 12 रुपए की प्राइस से एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला और अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 18.55 की प्राइस पर और आज का डे का इसका जो हाई था वो था 19.30 का। दोस्तों, HCC स्टॉक में क्या करना चाहिए, क्या अभी एंट्री लेनी चाहिए या फिर नहीं, ये सब कुछ जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और ऐसे ही स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की न्यूज और स्टॉक्स की एनालिसिस करके मैं आपके लिए लेके आता रहूं। दोस्तों, HCC स्टॉक में हमें वॉल्यूम तो काफी अच्छा देखने को मिल ही रहा है, जो आप वीकली पर देख सकते हैं और डेली पर भी देख सकते हैं। डेली पर आप देख सकते हैं कि आज के दिन भी काफी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला था और कंटिन्यू 3 डेज तक 11, 18 नवंबर, 17 नवंबर और 16 नवंबर को भी काफी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों, एक जो बड़ा रीजन है और अच्छा रीजन है, वो रीजन ये है कि आप देख सकते हैं कि एनुअली और क्वार्टरली जो रिजल्ट आया है 2022 का HCC का, उसमें कंपनी का काफी अच्छा ग्रोथ और काफी अच्छा रिजल्ट आया है। 2022 मार्च में जो कंपनी ने रिजल्ट अनाउंस किया है, उसमें कंपनी की तरफ से 400 करोड़ का प्रॉफिट की अनाउंसमेंट हुई है और उससे पहले 2021 में 610 करोड़ का लॉस था, उससे पहले 197 करोड़ का प्रॉफिट था। यानी कि अभी तक का आप पास्ट रिकॉर्ड देखोगे तो अभी तक का जो रिजल्ट है वो शानदार है, काफी अच्छा है, जो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में बाइंग और सेलिंग पर एक अच्छा इम्पैक्ट कर रहा है। तो दोस्तों, अब बात यह आती है कि हमें इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं वीकली पर इस स्टॉक में कि ऊपर की तरफ 20 रुपए की प्राइस पर एक बड़ा सपोर्ट रेसिस्टेंस बना हुआ है, एक बड़ा रेसिस्टेंस बना हुआ है। तो जैसे ये स्टॉक 20 रुपए के ऊपर ट्रेड करेगा विद वॉल्यूम, अगर इसने ब्रेकआउट दिया, सस्टेन हुआ और क्लोजिंग दी, तो दोस्तों आप इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको इस स्टॉक में 25 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में ही आपको इस स्टॉक में 25 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर नेक्स्ट क्वार्टर अगर और अच्छा रिजल्ट आता है तो दोस्तों हो सकता है आपको आने वाले टाइम में इस स्टॉक में 50 रुपए के भी टारगेट देखने को मिले। दोस्तों, जो बड़े टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ उसका पीछे का रीजन ये है क्योंकि इस स्टॉक में एक लंबे पीरियड तक कंसोलिडेशन देखने को मिला है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वीकली पर एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला। जिस स्टॉक में जितने ज्यादा टाइम का कंसोलिडेशन होता है उस स्टॉक में उतना ही बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है, उतना ही बड़ा अपट्रेंड देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आप इस स्टॉक में अगर एंट्री बनाना चाहते हैं तो 20 रुपए की प्राइस के ऊपर एक एंट्री बना सकते हैं। जैसा कि ये पेनी स्टॉक है इसलिए आपको मिनिमम अमाउंट ही इन्वेस्ट करना है, क्योंकि पेनी स्टॉक में अगर ग्रोथ ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा रिस्क भी होता है। तो आप अपने रिस्क के हिसाब से ही HCC के स्टॉक में एंट्री ले और विदाउट SL किसी भी स्टॉक में एंट्री ना ले। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।